9 मई की सुबह मॉस्को का रेड स्क्वायर पुतिन के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन गया। मेडल लगी वर्दियों में सजे सैनिकों के बूट मॉस्को में गरजे, लेकिन उनकी धमक व्हाइट हाउस तक दर्ज की गई। नौ मई के जिस परेड को रोकने के लिए अमेरिका और यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन अटैक किए, रूस के जोश को डाउन करने के लिए उसके सबसे बड़े शक्ति केंद्र को निशाना बनाया गया, लेकिन उस साजिश में यूक्रेन कामयाब नहीं रहा। हर साल की तरह 2023 की 9 मई को भी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस मनाया गया। रूस के सैनिक बैंड के साथ मॉस्को के रेड स्क्वायर पर उतरे और दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों को सलामी दी। मंच पर बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन गौरव के क्षणों के साक्षी बने। रूस की विक्ट्री डे परेड में सेना के 50,000 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। महिला ब्रिगेड की 15,000 से ज्यादा जवानों ने विक्ट्री डे परेड में रूस की जीत का जश्न मनाया और शहीदों को सलामी दी। महिला ब्रिगेड की अगुवाई कैप्टन मारिया वासिलिवा ने की। रूस के इन ऐतिहासिक पलों को दुनिया ने देखा और भारत को मॉस्को से सीधे TV9 भारतवर्ष के कैमरे ने दिखाया। इस वक्त आप देखिए T-90 टैंक, ये सब टैंक बनिस्पत दूसरे टैंकों के बनिस्पत में काफी हल्के होते हैं, युद्ध क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और इसी वजह से इन हथियारों का पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी एडवांटेज होता है। और आप देखिए एक के बाद एक जो आर्मर्ड व्हीकल है, टैंक है, तोप है, दूसरे और हथियार हैं, उन सब को यहाँ से गुजरते हुए। और ये एक ऐसा क्षण है जो ना सिर्फ अभी रूस में या पूर्व सोवियत संघ के इलाके में बल्कि यूरोप में या अमेरिका जैसे देशों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले दिन में इस जंग का स्केल कितना बड़ा हो सकता है। 78-й годовщиной победы вооруженными силами Российской Федерации войска Москва. यूक्रेन रूस युद्ध, या कहा जाए कि सही मायनों में अमेरिका रूस युद्ध के दौरान रूस ने मॉस्को में पहले से ज्यादा भव्य, पहले से ज्यादा ऐतिहासिक परेड निकाली है, जिसके संकेत बहुत विनाशक हैं। रूस के सैनिक बड़ी तादाद में विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए, लेकिन इनके साथ ही रूस के मिलिट्री हथियार और स्ट्रैटेजिक मिसाइलें भी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर पहुंची। रूस ने सबसे पहले विश्व युद्ध में सबसे विनाशक और कारगर टैंक को सम्मान दिया। रूस की टैंक ब्रिगेड T-34 टैंकों के साथ परेड में उतरी। इसके बाद रूस ने स्कंदर मिसाइल सिस्टम को परेड में उतारा। रूस की स्कंदर मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस इसका इस्तेमाल कर चुका है। रूस ने इस मिसाइल के साथ साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स और सरमत को भी विक्ट्री डे परेड में उतारा। रूस की ये मिसाइलें धरती के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है।
रूस के विक्ट्री डे परेड में फिलहाल चल रहे युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। विक्ट्री डे परेड रूस के उन दुश्मनों के लिए जवाब है जो ये दावा करते हैं कि रूस के हथियार गोदाम खाली हो चुके हैं। विक्ट्री डे परेड इस बात का सबूत है कि रूस भले ही एक साल से जंग लड़ रहा हो लेकिन उसके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस के 460 फाइटर जेट शामिल हुए। 336 MLRS सिस्टम विक्ट्री डे परेड में नजर आए। 2758 AMV यानी आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल भी मॉस्को में दिखे। 298 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम विक्ट्री डे परेड का हिस्सा बने। 116 अटैक हेलीकॉप्टर भी विजय दिवस के मौके पर उड़े और इसके अलावा 3800 टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल्स भी परेड में नजर आए। बीते एक साल से यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के पास हथियार नहीं है लेकिन मॉस्को परेड की झांकी बता रही है कि यूक्रेन के सच में कितना दम है। विक्ट्री डे परेड में इतने बड़े पैमाने पर हथियार तब शामिल किए गए हैं जब यूक्रेन के साथ युद्ध जारी है। मतलब मोर्चे पर रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूस को हथियारों की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हथियार रूस के पास मौजूद है। विक्ट्री डे परेड में इतने बड़े पैमाने पर हथियार तब शामिल किए गए हैं जब यूक्रेन के साथ युद्ध जारी है। देश के राष्ट्रीय त्योहार पर रूस के राष्ट्राध्यक्ष की बॉडी लैंग्वेज से भी साफ है कि पुतिन बड़े युद्ध की तैयारी में हैं। पुतिन मंच पर आत्मविश्वास से भरे नजर आए और अपने दुश्मन पश्चिमी देशों के खिलाफ उग्र भी। पुतिन की आवाज में खींच के बजाय दृढ़ता है। वो पश्चिम पर आक्रामक हैं। पुतिन ने परेड में अपने सहयोगी देशों को भी शामिल किया। CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के राष्ट्राध्यक्ष भी मॉस्को पहुंचे। पुतिन के साथ साथ सबने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिस तरह के हथियार परेड में शामिल किए गए उन्हीं हथियारों से यूक्रेन सहित उसके मित्र देशों की घेराबंदी हो चुकी है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने कहा है कि रूस ने अपने कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में हैवी वेपन की सप्लाई तेज कर दी है। MI6 ने कहा है कि यूक्रेन के स्प्रिंग ऑफेंसिव के खिलाफ रूस की बड़ी और बहुत विध्वंसक तैयारी है। ईस्टर्न फ्रंट पर खार्किव से लेकर ओडेसा तक यूक्रेन रूस की जंग जारी है। इसी मोर्चे पर रूस ने अपने हैवी वेपन की सप्लाई तेज कर दी है। यहाँ से यूक्रेन के नए हथियार गोदामों पर हमला बोला जाएगा। रूस ने कब्जे वाले क्षेत्र के दक्षिणी मोर्चे पर 700 नए टैंक भेज दिए हैं। साथ ही 400 MLRS सिस्टम तैनात किए गए हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर 900 नए टैंक भेजे गए हैं। रोस्तोव और बेलगोरोद में 3000 सैन्य वाहन रिजर्व रखे गए हैं। 100 T-90 टैंक यूक्रेन के खिलाफ उतार दिए गए हैं। 700 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर एयरफील्ड पर तैनात कर दिए गए हैं। विक्ट्री डे परेड से पहले ही रूस ने यूक्रेन पर विक्ट्री के लिए हथियारों की तैनाती कर दी है। मुमकिन है कि जल्द ही रूस के जवान कीव में विक्ट्री डे परेड मनाते नजर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।